दोस्तों अगर आप लोग भी मेरी तरह अपने फोटो को वन क्लिक में एडिट करना पसंद करते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 300 से भी ज्यादा MX फीचर्स देने वाला हूँ जिन्हें आप लाइटरूम में ऐड करके अपने फोटो को बहुत ही आसान तरीके से वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्रीसेट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा और इसे कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड करना है। तो गाइस ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस बिना बकवास किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे आप इसे ओपन करोगे तो इधर साइड में आपको एक प्लस वाला आइकन देखने के लिए मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने दो फोटो को पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है। और गाइस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको अलाउ फोटो पर क्लिक करना है, और आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट यहां से कर लेना है। तो गाइस इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखो अगला स्टेप ये है, आपको प्रीसेट का फोल्डर डाउनलोड करना है, और डाउनलोड कैसे करना है ये वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आराम से, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो गाइस देखो आपको प्रीसेट के फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीसेट के नाम से, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक भी फोल्डर ना प्रीसेट कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ पर आपको प्रोसेस दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखेगा। तो गाइस आपको यहाँ पर फोल्डर को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा थ्री लाइन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इनपुट प्रीसेट, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिल रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, तो सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक कर देना है। गाइस जो भी आप फोल्डर को ऐड करोगे तो वो डाउनलोड के ऑप्शन में ही आता है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है जो मैं लिंक देने वाला हूँ तो ये वाला फोल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर जो है जैसे कि आप एक प्रीसेट पर आप क्लिक करोगे तो ये सिंपल सा एक ही प्रीसेट उसमें ऐड हो जाएगा। तो गाइस ऐसा तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये यहाँ पर 200 MX प्रीसेट हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, एक साथ इसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है थ्री लाइन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर अलाउ कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जितने भी प्रीसेट हैं इन पर टिक मार लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, स्टार्ट पे। तो गाइस यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। और गाइस जैसे आप वेट करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ये फोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस जैसे आप वेट करोगे तो ये थोड़ी देर के बाद आपका ये फोल्डर इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है इसी पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे, सॉरी कलर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको इन्हीं पर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ओनली वन क्लिक में आपका कुछ इस टाइप का फोटो एडिट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर और बहुत सारे प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ प्रीसेट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके फ़ोटो पर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लैक हो जाएगा आपका फ़ोटो, यानी कि वर्क नहीं करेगा उस पर अच्छी तरीके से। तो गाइस यहाँ पर और मतलब कोई ऐसा प्रीसेट मिलेगा जो आपके फ़ोटो पर वर्क नहीं करेगा, नहीं तो सारे प्रीसेट ऐसे ही हैं, नहीं तो सारे प्रीसेट आपके फ़ोटो पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ओनली वन क्लिक में आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रीसेट का लिंक आपको कहां मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस देखो आप जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो उसी लिंक पर आपको क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।